11 में डुअल बूट करने जा रहा हूँ, वो भी काली लिनक्स। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, पहला रिफ्यूज है और दूसरा है काली लिनक्स ISO इमेज। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और मैं आपको बताऊँगा फिर कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको रिफ्यूज लिख के सर्च करना है। जैसे ही रिफ्यूज सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्वाइप अप करना है और यहाँ पे आपको रिफ्यूज 3.20 पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको डाउनलोड करने का आ गया है। तो मेरा तो हो चुका है, आप तो देख लीजिए। और उसके बाद आपको फिर काली लिनक्स का करना है। तो इसके बाद आपको काली लिनक्स लिख के सर्च करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ब्रे मेटल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 64 बिट के लिए है और यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से टोरेंट से कीजिएगा तो थोड़ा फास्ट डाउनलोड होगा। तो आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड हो गया है मेरा, और इसके बाद आपको डबल क्लिक करना है, इसको बाद यस करना है। जैसे ही आप इसको यस कीजिएगा तो फिर ये ओपन हो जाएगा और आपका पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट ISO पे आना है और डेस्कटॉप पे क्लिक करके अपना ISO क्लिक करके ओपन कर देना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करके कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा ये ISO इमेज में करके रखा हुआ हूँ। उसके बाद ये कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपको फाइल पर आना है, और फाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा आना चाहिए काली लिनक्स, उसके बाद 11.5 GB समथिंग आपका भी होगा।